एक्शन में सीएम योगी। दरअसल लखनऊ हुड़दंग मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सीएम योगी ने गोमती नगर में बारिश के बाद हुई शर्मसार करने वाली घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले डीसीपी पूर्व, एडीसीपी पूर्व और एसीपी गोमती नगर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया गया है, जबकि गोमती नगर इंस्पेक्टर समतामूलक चौकी इंचार्ज समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और इतना ही नहीं, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अराजक तत्वों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए अब तक 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को बारिश के दौरान एक महिला और उसके साथी को बाइक से गिराकर छेड़खानी की गई थी। घटना के समय पुलिस का कहीं अता पता नहीं था, जबकि एसीपी और एडीसीपी का कार्यालय कुछ दूरी पर ही है। आज की खास पेशकश पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए जेसीपी एलओ अमित वर्मा ने क्या कुछ कहा। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है सर? आज गोमती नगर में जो पहले घटना हुई थी बारिश का, अब यार बता दिया ना, खुद बता दिया उसमें क्या हुआ? सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें, देखिए उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर उसमें 4-5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। फुटेज की उसमें देखा जा रहा है और जल्दी जो और भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कितने लोग गिरफ्तारी? अभी तक 4 लोगों की हो गई है और भी उसमें कार्रवाई होंगी। जो लोग उसमें फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान वगैरह करके उसमें की जाएगी। शुरुआती दौर में कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद फिर पुलिस अधिकारियों पर भी उसमें अभी मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं विधानसभा सुरक्षा के अंदर हूँ अभी, और उसमें जैसे ही आपको जो है उचित माध्यम से सूचना बता दी जाएगी। घटना जो हुई ऐसे घटना आगे ना उसके लिए नहीं, ये देखिए पब्लिक से भी आह्वान है क्योंकि पब्लिक के ही वो लोग थे। इस तरह के उन्माद में आके इस तरह पब्लिक करती है तो बड़ा शर्मनाक हो जाता है, और पुलिस का भी रोल है और इसमें समाज का भी रोल है कि इस तरह की चीज़ों में लिप्त ना हो। ऐसी घटनाओं में कुछ शामिल होता है नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गोमती कमिश्नर अमित वर्मा है। साफ तौर पर गोमती नगर की जो घटना हुई थी बारिश के दौरान जो बद्रता की गई थी उसको लेकर एक्शन हुआ है और लगातार गिरफ्तारी के दौर 4 लोग गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं जो भी पुलिस अधिकारी थे उन सभी पर कार्रवाई है वो शुरू होगी। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरह की लापरवाही बरती गई उसको लेकर कहीं ना सरकार ने एक्शन लिया, और जाहिर है कि ऐसी घटनाएं फिर से अगर होती है तो ऐसे में पुलिस का एक्शन है उन पर भी होगा। रविंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। अब हम सीएम योगी के एक्शन की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से महिला से छेड़खानी हुई, इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से बारिश में महिला गिरती है और उसके बाद किस तरह से छेड़खानी उसके साथ की जाती है। हालांकि इसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कितनी शर्मनाक तस्वीर आप देख सकते हैं देखने को मिली कि बारिश में एक महिला गिर जाती है अपने साथी के साथ, उसके बाद किस तरह से बेशर्मी की जाती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से युवकों ने हुड़दंगई की, महिला के साथ छेड़खानी की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता निकिता सरीन जुड़ गई हैं लखनऊ से। निकिता, आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से ये शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली, हालांकि सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को सस्पेंड कर दिया है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए जिस तरीके से कल मूसलाधार बारिश के दौरान एक वीडियो वायरल हो गया, तमाम ऐसे इलाके थे सूबे की राजधानी लखनऊ में जहां पर पानी भर गया था। ऐसे में एक कपल पास होता है जहां पर कुछ लड़के आते हैं और वो लगता तो है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक ये बढ़ते बढ़ते कुछ और ही चीज़ में बदल जाता है। वहां पर वो सभी महिला को गिरा देते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, आज क्योंकि मानसून सत्र का 4th दिन था, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर इस पूरी घटनाक्रम में जो 4 आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी कर दिया है, बाकी जो आरोपी हैं उनकी ढूंढाई चल रही है, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ चौकी में जितने भी पूरी चौकी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में
संबोधन करते हुए ये तक कहा कि इन सभी के अगेंस्ट अब संभावना सद्भावना एक्सप्रेस नहीं जबकि बुलेट ट्रेन चलेगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये महिला सुरक्षा सबसे पहले जो सरकार है उसका अहम मुद्दा है, और महिला की कल किस तरीके से पूरी ये जो क्रिएट हुई है घटना, ये शर्मनाक बहुत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत साथ ही सरकार यहाँ पर ये कहती नजर आती है कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा एक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिस तरीके से बारिश के बीच में बाइक सवार जो महिला है उसके साथ बदसलूकी की जाती है, दो आरोपियों को गिरफ्तार ऑलरेडी कर लिया था देर शाम, और आज भी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, टोटल चार गिरफ्तारी हो गई हैं, सस्पेंशंस हो गए हैं, निलंबन हो गए हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आगे की अब कार्रवाई है उसको भी पूरा किया जा रहा है, सबको ढूंढा जा रहा है। तो फिलहाल एक बड़ा एक्शन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मुद्दा सदन में आज कांग्रेस विधायक आराधना मोना मिश्रा विधायक है जो कांग्रेस से, उन्होंने भी उठाया था, और विपक्ष भी इस पर सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से ये जो सरकार है जो कहती है वो करके भी दिखाती है, और यही एक वजह है कि जिस तरीके से बदसलूकी की गई उसका तुरंत ये जो एक्शन है, जैसे ही ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचता है इस पर एक्शन लिया गया, और एक्शन सबके सामने है, चार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी चौकी में जितने भी लोग थे सबको सस्पेंड कर दिया गया, और आगे की भी जो तफ्तीश है फिलहाल वो जारी है कि आखिर क्या कुछ ये मामला था, और इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व थे उनको फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि एक लड़कों का झुंड जो है वो लड़की को इस तरह से छेड़ता है, दिन दहाड़े की ये तस्वीर थी। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आपने कहा भी कि महिला के साथ जिस तरह से दिन दहाड़े छेड़खानी हुई वो कहीं तरह के प्रश्न खड़े कर देती है योगी सरकार पर भी, इसके अलावा पुलिस प्रशासन पर भी, और पास में ही अधिकारियों का ऑफिस भी था, तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। निकिता बिल्कुल, जिस तरीके से जहां पर ये घटना हुई अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो पहले यही लगा कि एक खेल हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन ये मामले ने तूर पकड़ लिया, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बाइक आ रही है उसमें एक कपल है, पीछे महिला बैठी है और आगे एक पुरुष है जिस पर पानी डाला जा रहा है, तो लग रहा था ये मजाक है, लेकिन उसी बीच में प्रेशर इतना ज्यादा था, पानी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई थी, लेवल बहुत ज्यादा था, बाइक को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर एक हुलिगन्स यानी लड़कों का झुंड आता है और वो पानी फेंकना स्टार्ट करता है, प्रेशर के ज्यादा दबाव पड़ने से महिला गिर जाती है, और इस बीच में वहीं आसपास में चौकी थी, सब इंचार्ज थे, और जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुआ इस पर तुरंत एक्शन भी यहां पर निकिता आएंगे आपके पास, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अमलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। अमलेंद्र आपके पास आएंगे, देखिए जिस तरह से दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, गोमती नगर की घटना है, गोमती नगर कहीं ना कहीं पॉश एरिया है लखनऊ का, दिन दहाड़े ऐसी घटना, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पूरी घटना पर। अमलेंद्र आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? जी। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पे जो बीच इंचार्ज थे और जो लोकल वहां पे पुलिसकर्मियों जिसकी ड्यूटी लगाई थी, टिकट पे जिसकी ड्यूटी लगी थी, 112 के जितने पुलिसकर्मी थे उनकी ड्यूटी लगी थी, ये मौके से नदारद थे, क्योंकि लगातार एक घंटा हुड़दंग मचाते हैं बच्चे वहां पानी में हुड़दंग के साथ साथ ही आने वाले फोर व्हीलर गाड़ियों के दरवाजे तक खोल करके उनको रोक करके उनके अंदर बैठे हुए लोगों पे भी पानी फेंकते हैं, और इनके पास कोई पात्र नहीं होता है लेकिन हाथ से ही ये पानी का फेंक रहे हैं उनके ऊपर, लगातार ये डिस्टर्ब कर रहे थे आने जाने वालों को, और ऊपर से भी लोग देखने वाले भी जो है एक तरीके से बैठ करके वहाँ एक तमाशा जैसे देखा जाता है उस तरह का माहौल बना था, पानी का प्रेशर वहाँ अगल बगल से जमा जो हो रहा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिनको आइडिया नहीं थी कि इधर से आने के बाद पानी नीचे लेवल के उतना होगा वो उधर से आ रहे थे और फंस जा रहे थे, उसी का नतीजा ये था कि जो बच्चे वहां से आए और जो ये एक लड़की थी और लड़का, ये दोनों जो बाइक से आ रहे थे उनका भी उसी में फंसने का एक तरीके से देखा जाए तो ये भी उसी बहाव में फंसते हैं और इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, आगे देखते हैं बच्चों का झुंड, जो बच्चे के झुंड थे फिर भी ये उनमें से निकलने की कोशिश करते हैं, बच्चे गाड़ियों को पास देने के लिए साइड से खड़े होते हैं लेकिन साइड से ये पानी के दोनों साइड से पानी फेंकना शुरू करते हैं,
जैसे वो लड़की और बच्चे जो करीब आते हैं, करीब आने के बाद वो एक झटके से सारे गोला बना लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और तुरंत वहां पर पानी के बौछारे करने लगते हैं उनके ऊपर। बच्चे की बाइक जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है और बच्चा जो है बाइक लेके पानी में गिर जाता है। उसके बाद ये लोग वहां भी नहीं मानते हैं, फिर भी पानी फेंकते रहते हैं। किसी तरीके से उसमें से दो चार ऐसे बच्चे होते हैं जो सबको साइड करते हैं और हटाते हैं, उसके बाद ही आगे निकलते हैं। रही बात प्रशासन की, प्रशासन तमाशबीन था वहां पे मौके पे, जो ऊपर लेवल पे ऊपर सीढ़ियों के जो प्रशासन थे उनको हटाने का काम तब किए जब देखे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इनको ये वायरलेस पे एक मैसेज आता है क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कैमरों की निगरानी करने वाली टीम वहां पे मैसेज डालती है कि वहां देखिए बच्चे इकट्ठा हो गए, लोगों आने जाने वालों को परेशान कर रहे हैं, तब ये एक्शन मोड में आते हैं। ये जो 1090 का चौराहा है जिसके नीचे की ये बात हो रही है, ये हमेशा यहाँ भीड़ होती है, पुलिस हमेशा यहाँ मुस्तैद रहती है। अम्बेडकर पार्क वाला इलाका है ये, पार्क के बगल में भी पुलिस मुस्तैद रहती है, अगल बगल की जो चौकियां हैं वो भी जो है हमेशा एक्टिव रहती है। लेकिन बारिश के समय में जो है ये कहीं कहीं वहां रोड पर नहीं थे और इस तरीके की चीजों की जो घटना हुई है पुलिस की गैर मौजूदगी में हुई है। इसके लिए लापरवाह पुलिसकर्मियों को सीएम योगी के निर्देश पर तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, सोचने वाली ये बात है, अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती है तो क्या वहां पे बारिश हुआ या तूफान आया या इस तरह की कुछ भी चीजें आ रही है, क्या पुलिस वहां से हट जाएगी या पुलिस मौके पर नहीं रहेगी? ये पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही थी जिसका नतीजा था कि पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, देखिए पुलिस वालों की तो लापरवाही थी ही, लेकिन जो लोग वहां पर खड़े थे, जो लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे, उनको लेकर भी सवाल खड़े होते कि इंसानियत आजकल कहाँ है। जय आपके पास आएंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जय आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से दिन दहाड़े ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है, लोग तमाशा देखते रहे, पुलिस का जो ऑफिस था वो वहां से कुछ ही दूरी पर था, पुलिस भी वहां पर नहीं पहुंची। जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस हरकत में आई, उसके बाद जो है एक्शन लिया गया। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी शर्मसार कर देने वाली घटना रही है जिस तरह से बारिश में और इस तरह से हुड़दंग लोगों ने मचाया वहां पर। हालांकि देखा जाता है कि एक बड़ा पर्व होता है हिंदुओं का जो होली बताई जाती है, उसमें भी तमाम हुड़दंग ऐसे हुड़दंगी रहते हैं, लेकिन उस वक्त पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में रहती है, उन पर सब पे कंट्रोल करती है, तब जाकर के त्यौहार आसानी से मिला। लेकिन एक छोटा सा मामला था जहां पर कहीं ना कहीं काफी भीड़ थी और उसके बाद उस चीज को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। पास में ही चौकी है, जो गोमती नगर की चौकी है पास में ही थी, ताज होटल के पास, वहां पर पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके किसी ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये काफी बताया जा रहा कि काफी देर से पूरा मामला चल रहा था, इस तरह से पानी उछालना और एक दूसरे पर डालना ये काफी देर से वहां पर हो रहा था, लेकिन बावजूद इस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो यूपी सरकार है, योगी सरकार है, एक्शन में आई है, पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और ऊपर से लेकर के नीचे तक के सभी कर्मचारियों को, सभी पुलिस कर्मियों को फिलहाल हटा दिया गया। आपको बता दें कि जो डीसीपी पूर्वी है, एडीसीपी पूर्वी है, वहीं एसीपी गोमती नगर है, इनको हटा दिया गया है। वहीं एसएचओ और जो चौकी इंचार्ज थे और वहां पर जो सिपाही तैनात थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अभी चार लोगों को, चार युवक जिनका नाम आपको हम बता दें कि पवन यादव और सुनील कुमार बारी हैं, विजय साहू हैं और मोहम्मद दरबाज हैं, इन चारों लोगों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी और जो लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे, और भी लोग तमाम थे जो पानी ऊपर डाल रहे थे, जिसकी वजह से जो बाइक थी वो डिसबैलेंस हुई और युवती भी उस बाइक से गिर गए और जो युवक जो बाइक चला रहा था वो भी कहीं ना कहीं गिर गया। उसने रोकने की हालांकि काफी कोशिश की, जिस तरह से वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उन्होंने मना करने की भी कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हुड़दंगी थे वो माने नहीं। और उसके बाद जो कार जा रही थी, देखा गया कि कार के दरवाजे खोल खोल कर उसमें हुड़दंगी जो है लगातार पानी डाल रहे थे, लोगों के ऊपर पानी फेंक रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जरूर निकल करके सामने आई। वहीं जो आम आदमी थे, जो आसपास के लोग थे, वो तमाशा जरूर देख रहे थे। जिसने फिलहाल वीडियो बनाया उसने भी ये देखा, हालांकि वीडियो बनाने से ये मामला भी संज्ञान में आया और इतना बड़ा एक्शन हुआ। शायद अगर वीडियो ना बना होता, वायरल ना हुआ होता, तो शायद इतना बड़ा एक्शन भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि वहां पर आसपास के लोग भी अगर इन हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देते, 112 डायल कर देते, उनका भी दायित्व बनता है कि अगर आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हो तो तत्काल पुलिस को कॉल की जा सकती है। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, वीडियो बनता रहा, हुड़दंगी वहां पर हुड़दंग मचाते रहे और लगातार लोग उसमें परेशान होते रहे, इस तरह की घटना होती रही, एक युवती को परेशान किया गया, लेकिन किसी ने कोई इस पर आवाज नहीं उठाई, सिर्फ वीडियो वायरल किया। जी
बिल्कुल, और ऐसी तमाम तस्वीरें आती रहती हैं जहां पर समाज की उदासीनता देखने को मिलती है, समाज जो है वो सिर्फ तमाशबीन होकर देखता रहता है, जहां मदद करनी चाहिए थी उस युवती की। 15 से 20 लड़के उस युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और लोग वीडियो बना रहे थे, ना कि उनको रोक रहे थे। तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अमलेंद्र आपके पास आएंगे, देखिए FIR पर भी कई सवाल उठाए गए हैं, पुलिस के FIR को लेकर जिस तरह से सवाल उठे कि युवती की अभद्रता का भी जिक्र नहीं था, ये भी कहा जा रहा है कि FIR में। देखिए FIR तो जांच का विषय होता है कि प्रथम दृष्टया अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उस हिसाब से जांच का होता है, लेकिन पुलिस ने अभी प्रथम दृष्टया जो वीडियो फुटेज के आधार पर जो उन्होंने केस दर्ज किया है, उसके बाद गार्जियन आए सामने आए, गार्जियन जो है जो मतलब पीड़ित पक्ष है वो सामने आए, फिर वो उनके साथ साथ क्या दिक्कतें हुई हैं वो कंप्लेन करें, फिर कंप्लेन के आधार पर जो एक शुरुआती होती है वो आगे भी बढ़ जाता है, ये सब कोई जानता है। लेकिन रही बात शुरुआती दौर की कंप्लेन की, जो शिकायत के तौर से लोग बता रहे हैं, ये शिकायत अगर बच्चे की तरफ से या पीड़िता बच्ची की तरफ से अगर किया गया होता तो शायद और धाराओं में भी केस बढ़ता, लेकिन जो केस दर्ज किया गया है वो सिर्फ शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक का जो है वो छेड़खानी का केस है। छेड़खानी के केस के आधार पर अगर आगे भी इनको अगर कोई केस दर्ज कराना है तो इनके दरवाजे खुले हैं, ये थाने में जाए और वहां पर जाकर के ये अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, उसको एक तरीके से अपडेट करके फिर उस कंप्लेन के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज हो जाएगा। रही बात जो वीडियो था, वीडियो फुटेज के आधार पर जो चीजें सामने आई हैं, पानी फेंकना और अभद्रता इस तरीके की चीजों को, तो पुलिस से प्रथम दृष्टया इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देना ये सबसे बड़ी चीज है कि कुछ घंटों के अंदर में ही पुलिस एक्शन करती है और पुलिस एक्शन के बाद जो है वो जो FIR दर्ज होती है, जब ये गिरफ्तार होते हैं तो फिर वीडियो फुटेज कंगाला जाता है, उसके आधार पे जो जो चीजें दिखती हैं उस आधार पे पुलिस केस दर्ज करती है। अब सामने पीड़िता और जो पीड़ित बच्चा है उन दोनों को सामने आना पड़ेगा और आने के बाद उस केस पे और अपडेट जो भी चीजें उनके साथ दिक्कत हुई उनको अपडेट के साथ करना पड़ेगा और पहचान के लिए जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पहचान भी उनसे कराया जाएगा, उसके बाद और लोगों की भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि टीमें भी गठित हुई हैं। ये मामला सिर्फ चार लोगों का ही नहीं है, ये ग्रुप के साथ किया गया अभद्रता है, तो लगभग मान के चलिए कि इसमें एक दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, और हमने देखा भी जिस तरह से तस्वीरों में कई लोग नजर आ रहे थे, बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग शामिल थे अमलेंद्र इसमें पूरे मामले में, अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी, जैसे जैसे पहचान हो रही है उसे फुटेज के आधार पे, क्योंकि जो कैमरा लगा है वो लॉन्ग टर्म पे कैमरा था, उस हिसाब से जिसका चेहरा जैसे समझ में आ रहा है उस हिसाब से उसकी पहचान निकाली जा रही है। एक जस्टिफाई करना और जस्टिफाई करने के बाद लोगों को पकड़ना, उसको इनसे जो गिरफ्तार हुए इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद फिर ये जिनका नाम इनके ग्रुप में जो जो थे उनका नाम शामिल आएगा, फिर उनको दबिश दी जाएगी। कुछ लोग होते हैं जिला छोड़ के भाग जाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तार इन लोगों को की जाएगी, क्योंकि टीमें जो गठित हैं वो लगातार ट्रेस कर रही हैं और जब इन लोगों बच्चों से भी पूछताछ होगी जो पीड़ित थे इनसे भी पूछताछ होगी, अगर वो पहचान उस हिसाब से गिरफ्तार लोगों के साथ अन्य अदर लोगों को भी पुलिस जो है पकड़ रही है उनमें से जो ये जस्टिफाई जिसको करेंगे कि इनके साथ ये थे उस आधार पे और गिरफ्तारियों की संभावना बढ़ेगी और केस दर्ज भी अपडेट होगा। बिल्कुल, और अगर हम धाराओं की बात करें अमलेंद्र, तो किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है इन हुड़दंगियों के खिलाफ? देखिए शुरुआती दौर में तो छेड़खानी और डिस्टर्बेंस ये सब चीजों को लेकर के जो केस दर्ज किया गया है, आगे अगर लड़की उसमें कुछ और बयान देती है तो उनके आधार पर केसेज और जो है धाराएं जो है वो बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि पुलिस भी यही कह रही है कि हम शुरुआती दौर में जो महिला के साथ छेड़खानी और अभद्रता जो है इसके हिसाब से हमने केस दर्ज किया है। अब रही बात अगर वो आकर के केस फाइल करते हैं, केस के एक एप्लीकेशन देंगे कि हमारे साथ इतने लोगों ने छेड़खानी किया है या फिर उनके साथ जो भी चीजें घटित हुई है वो सीरियल वाइज जैसे भी वो बताएंगे उसको अपडेट करके फिर धाराओं को बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और निकिता आपके पास आएंगे, देखिए अभी तक जिस तरह से लड़की की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है या फिर जो लड़का उसके साथ था उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है?
देखिए बयान बिल्कुल सामने नहीं आया है, क्योंकि एक जो वीडियो है ना वो सब कुछ बयान कर रहा है, अपने आप में ही वो एक बड़ा बयान है कि जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है। और नवाबों का शहर, तहजीबों का शहर लखनऊ जहाँ कहा जाता है, बहुत ही तहजीब भरी जगह, जब वहाँ पर इस तरीके की हरकतें होती हैं तो ये बेहद शर्मनाक बात है। तभी ये मुद्दा आज जिस तरीके से सदन में उठा है, उस पर तमाम बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये टिप्पणी कर दी है कि आखिर बहन और महिलाएं और बेटियां एक प्रायोरिटी का एक विषय है, और जिस तरीके से ये हरकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होते ही इस मामले ने तूल पकड़ा है, और तूल पकड़ने के बाद जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, एक्शन हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर जिस तरीके से लोग खड़े होकर के नजारा देखते हैं, क्योंकि देखिए एक महिला आप भी हैं और मैं भी हूं, और वहां पर जब आना चाहिए लोगों को प्रोटेक्शन में, तो वहां पर लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बनना भी एक तरीके से सही साबित हुआ, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, संज्ञान में आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, तुरंत यहां पर एक्शन लिया।